हलवा खाई के शुरू करते हैं आज की गेम प्ले। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मिस्टीरियस कहानी और साथ ही साथ इस इंडियन गेम की कुछ चीट कोड। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2110 का समय, जहाँ तरक्की के मामले में इंसानों ने बेतहाशा तरक्की कर ली है। अत्याधुनिक ड्रोन, प्लेन और हथियारों के साथ साथ अब इंसानों ने नई स्पेसशिप भी बना ली है, जो कि यूनिवर्स के किसी भी कोने में जा सकते हैं। और अब अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट्स पर रिसर्च के लिए जा रहे हैं। मगर उन्हें क्या पता था कि इस विशाल ब्रह्मांड में कोई ग्रह ऐसे भी है जहाँ की फिजिक्स के नियम हमारे पृथ्वी से बहुत अलग है। कहानी ऐसे ही एक बियर्ड प्लैनेट की है, जहाँ एस्ट्रोनॉट के एक ग्रुप गए तो थे रिसर्च करने, मगर उन्हें नहीं पता था कि वहाँ समय का प्रभाव उल्टा चलता है, यानी स्पेस टाइम का एक ऐसा टाइम लूप जिससे वह चाहकर भी निकल नहीं सकते। मगर क्या वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ से बच सकते हैं? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत कोल से होती है, जो कि एक डिटेक्टिव है और अभी अपनी स्पेसशिप से एक अनजान प्लेनेट पे आया है, क्योंकि आज से कई महीने पहले यहाँ 4 एस्ट्रोनॉट का एक ग्रुप आया था रिसर्च के लिए। एटोपन नामक स्पेसशिप के जरिए यहाँ आया था, मगर इस प्लेनेट पर आने के बाद से ना तो उनसे कोई संपर्क हो पाया है और ना ही वो वापस लौटे हैं। तो कोल उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ आ गया है। अब कोल उन्हीं 4 के ग्रुप की फाइल चेक कर रहा है, जिनमें से है एट्रोपा स्पेसशिप के कैप्टन रॉबर्ट, एक टेक्नीशियन जेकब, एक साइंटिस्ट एंड्रयू जेंसन और आखिर में एक डॉक्टर मोइरा विलियम्स। अब मोइरा विलियम्स कॉल की एक्स वाइफ है और उसी के लिए वो यहाँ तक आया है। अब इस प्लेनेट के पास पहुंचते ही कॉल को इस प्लेनेट की ऑर्बिट में किसी स्पेसशिप की होने की सिग्नल मिलती है और देखने पर कॉल पाता है कि ये वही एट्रोपा स्पेसशिप है जिसे ढूंढते वो यहाँ आया था। कॉल जल्दी से ट्रांसमीटर से उनसे कांटेक्ट करने लगता है, मगर कई सिग्नल भेजने के बाद भी सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब कॉल अपने शिप से एट्रोपा के पास ले जाता है और किसी अनहोनी के डर से कॉल मैनुअल मोड से ही स्पेस में जाकर उस शिप में एंट्री करने लगता है। कॉल बड़ी मुश्किल से अंदर पहुंचता है, जहां अब अंदर वो पाता है कि अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स के पोर्ट्स में अभी भी क्रायोस्लिप में है, यानी कि इतने समय से वो अभी तक इस प्लेनेट पर लैंड ही नहीं हुए हैं, जबकि उन्हें तो यहाँ कई महीने पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। कोल यहाँ स्पेसशिप का सिस्टम चेक करता है, जहाँ अजीब कारणों से समय आगे की वजह उल्टा चल रहा था। कोल यहाँ से जल्दी से सभी 4 एस्ट्रोनॉट को क्रायोस्लिप से उठाता है और यहाँ उनसे पूछता है कि वे इतने समय से यहाँ क्या कर रहे हैं और वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। अब कैप्टन कहता है कि उनके सिस्टम के हिसाब से वो तो सही समय पर है, मगर कोल कहता है कि यही तो सबसे अजीब बात है, इस स्पेसशिप का समय किसी अनजान कारणों से बाहर के समय की तुलना में 8 महीने पीछे हो गया है। अब वो समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, तभी उनके शिप से कोई बड़ी चीज बड़े जोर से टकराती है। सभी लोग भागकर देखने जाते हैं कि उनसे क्या टकराया है और सामने जो भी देखते हैं उससे सभी की आंखों फटी की फटी रह जाती है। सामने बिल्कुल उन्हीं के जैसा एक और एट्रोपा स्पेसशिप था जो कि इनके शिप से टकराया था। सब लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एट्रोपा नाम के शिप एक ही स्पेसशिप बना था जिसे एट्रोपा नाम भी कैप्टन रॉबर्ट ने ही दिया था। यहां सभी पाते हैं कि इस टक्कर से उनके प्लेन को भारी नुकसान हुआ है जिससे वो अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर सारे कम्युनिकेशन डिवाइस भी बंद पड़ गए थे और अब से वो सिर्फ आने वाले मैसेजेस को ही रिसीव कर सकते हैं, कुछ भी भेज नहीं सकते। तो कॉल यहाँ से डिसाइड करता है कि उन्हें सामने वाले स्पेसशिप में जाकर देखना होगा कि वहाँ कौन है और वो स्पेसशिप इन्हीं के जैसा कैसे लग रहा है, और बाकी के लोग उसकी बात मान भी जाते हैं। यहाँ से कॉल अकेले ही फिर से एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर वहाँ जाने लगता है, जहाँ उसकी एक्स वाइफ मोइरा पूछती है कि तुम इतने सालों बाद मुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आए, जिस पर कॉल कहता है कि अभी इन सब बातों के लिए समय नहीं है, और वो यहाँ से फिर से मैनुअल तरीके से ही खुद स्पेस बुक के जरिए दूसरे स्पेसशिप में पहुंचता है, जहाँ वो ट्रांसमीटर से बाकी साथियों के साथ कांटेक्ट में था। अब यहाँ अंदर जाते ही कोल पाता है कि ये स्पेसशिप अंदर से भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा है, मगर अब उस टक्कर की वजह से यहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा है। तभी उसे सामने अपनी वाइफ मोइरा का कैप्टन के साथ एक फोटो दिखाई देता है, जो कि काफी वियर्ड था, क्योंकि ऐसा ही एक सेम फोटो मोइरा के पास दूसरी शिप में है। वही कैमरा के जरिए बाकी क्रू भी ये देखकर हैरान थे कि ये फोटो इस शिप में कैसे पहुंचा। यहाँ से कॉल इस शिप का पूरा डाटा क्रू के पास भेजने लगता है ताकि वो उसे एनालाइज करके सब कुछ पता कर पाए। तभी उसे कुछ दूरी पर एक बॉडी तैरती हुई दिखाई देती है। कॉल उसके पास जाता है और पाता है कि ये कोई और नहीं जेकब है, लेकिन एक जेकब तो ऑलरेडी दूसरी शिप पर मौजूद है, तो ये कौन है, यानी कि दो जेकब। कॉल ये देखकर हैरानी था कि तभी क्रू पाता है कि वो शिप अब किसी भी समय फट सकता है, तो सब कहते हैं कॉल को अभी वहाँ से निकलना होगा वरना वो भी उसी शिप के फटने से मारा जाएगा। सो कॉल जल्दी से जेकब की बॉडी के साथ वहाँ से अपने शिप में वापिस आने लगता है, लेकिन अब तक वो शिप फटना शुरू हो चुका था और यहाँ कॉल किसी तरह से बचते हुए जेकब की बॉडी के साथ फाइनल
फाइनली अपने शिप में आ गया था। अब बाकी क्रू देखते हैं कॉल के साथ ही जेकब की लाश पड़ी है। वहीं इस शिप का जेकब भी यहाँ आ गया था और वो खुद की डेड बॉडी सामने पाकर चौंक जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी डेड बॉडी उसके सामने कैसे है। तो उसे शांत करने के लिए मोयरा उसे बेहोशी की दवा देती है। अब कुछ देर बाद कॉल को होश आता है, जहाँ मोयरा उसे बताती है वो दूसरी शिप भी उस ब्लास्ट में पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ जेकब के अलावा उन सबका भी एक और वर्सन मौजूद है, क्योंकि वो शिप सेम इनकी जैसे ही थी। यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वही साइंटिस्ट एंड्रो जेनसन सबको जल्दी से लैब में बुलाता है। उसने दूसरे शिप के डेटा से अब तक सब कुछ पता कर लिया था और वो बताना शुरू करता है कि वो दूसरी शिप भी बिल्कुल हमारे जैसे ही थी, उसकी जर्नी भी सेम हमारे रूट से ही हुई थी, मगर हम अचानक से उनसे टकराए। इसका एक ही मतलब है, वो शिप हमारा फ्यूचर वर्जन थी और हम सब इस ग्रह की करीब आते ही किसी तरह के कर्व हो चुकी स्पेस टाइम में फंस गए हैं। इसीलिए शुरू में हमारा समय बाहर के समय की तुलना में काफी पीछे था, क्योंकि इस ग्रह के आसपास का समय एक दूसरे बड़े ग्रह के काफी नजदीक होने से इतना बैंड हो चुका है कि यहाँ का टाइम खुद को रिपीट कर रहा है। यानी कि वो बार बार टाइम ट्रेवल करके 15 घंटा पीछे जा रहे हैं, जिसका कि उन्हें अब तक पता ही नहीं चला, क्योंकि वो सब क्रायो स्लीप में थे और ये किसी तरह का टाइम लूप है। यानी कि जो दूसरा शिप अभी ब्लास्ट हुआ है वो इसी शिप का ही फ्यूचर वर्जन था, और पूरे 15 घंटे बाद इस शिप के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि स्पेस टाइम खराब होने से 15 घंटे बाद ये शिप टाइम ट्रेवल करके उसी समय में चला जाएगा, जबकि उस समय पहले से ही एक और एट्रोपा शिप होगा जिससे दोनों टकरा जाएंगे। यानी कि इस शिप का जेकब आने वाले 15 घंटे में मरने वाला है, जैसा उन्हें दूसरी शिप का जेकब मिला था। वही मोयरा ने अब तक जेकब का डेड बॉडी पोस्टमार्टम कर लिया था, जिसमें वो पाती है कि इस जेकब की मौत कोल की लाई हुई गन से हुई है। मगर कोल कहता है कि उसी गन में तो सभी गोली अभी भी मौजूद है, तो वो कैसे हो सकता है। जहाँ जॉनसन बताता है कि ये ऐसा अभी नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले 15 घंटे में होने वाला है, जब यहाँ का जेकब भी कोल के गन से मारा जाएगा। यहाँ कोल कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जहाँ कैप्टन कहता है कि वो फिर भी कोई रिस्क नहीं ले सकते और वो सब कोल की गन को एक लॉकर में बंद कर देते हैं। अब उन्हें किसी तरह से आने वाले 15 घंटे में खुद की जान बचानी थी। जहाँ साइंटिस्ट जॉनसन आइडिया देता है कि क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि ये सिर्फ 15 घंटे बाद ब्लास्ट होने वाला है, तो उससे पहले ही उन्हें यहाँ से एस्केप सेटल लेकर निकल जाना चाहिए। मगर कैप्टन कहता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि उनमें सिर्फ कुछ ही दिनों का ऑक्सीजन होता है और वैसे भी उनमें उतना पावर नहीं होता है कि वो इस विशाल ग्रह की ग्रेविटी को तोड़कर यहाँ से बाहर स्पेस में जा सके। तो उन्हें बेहोश जेकब को उठाकर उसकी मदद से इस शिप को स्टार्ट करके किसी तरह से इस ग्रह से दूर जाना होगा, इसके पहले कि ये शिप फिर से समय में पीछे चला जाए। तो वो सब जेकब को बेहोशी से उठाने लगते हैं। वही जेकब ये जानकर बौखला गया था कि उसकी मौत कॉल की गन से होने वाली है, तो वो डर के मारे जॉनसन पर अटैक कर देता है और वहां से भाग जाता है। बाकी के लोग उसे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इन सब में सिर्फ वही एक इंजीनियर है जो कि स्पेसशिप को ठीक कर सकता है। यहाँ जेकब को ढूंढते हुए कोल और कैप्टन पाते हैं कि शिप का कोर उस टक्कर से पूरी तरह से टूटने लगा है। कोल कहता है कि यानी कि इसी के टूट जाने से ये शिप उस वक्त फट जाएगा। तो उन्हें कैसे भी करके जेकब को जल्दी से ढूंढ कर समझाना होगा कि वो उनकी मदद करे, जबकि जेकब अपनी मौत के डर से छुप गया था। वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट जॉनसन जेकब के भागने से डर जाता है और वो अकेले ही एस्केप सेटल लेकर निकलने लगता है। वहीं बाकी टीम को ये पता लगने पर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऑलरेडी शिप से निकल चुका था, जहां उसका शटल उस विशाल ग्रह की ग्रेविटी के कारण उसी की ओर खींचा जा रहा है, जिस पर जॉनसन की कोई कंट्रोल नहीं था। बाकी क्रू शिप से ही कैमरा से उसे देखने लगते हैं और सामने उसे ग्रह के रिंग्स पर जूम करते हैं और वहां उन्हें जो दिखाई देता है उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं जॉनसन पाता है कि उसका शटल ग्रेविटी से खींचता हुआ अब एक जगह आकर अटक गया है, और यहां से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जॉनसन बाहर देखने पर पाता है कि उसी के जैसा लाखों करोड़ों शटल इस विशाल ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं, जिनमें जॉनसन के ही लाखों करोड़ों वर्जन मौजूद हैं। यानी कि इन सब का ये पहला टाइम लूप नहीं है, इससे पहले उनका शिप करोड़ों बार टाइम ट्रेवल से पास्ट में जा चुका है और हर बार वे सब मारे जाते हैं, जबकि हर बार जॉनसन का हर वर्जन यही गलती करता है और उसका बॉडी यही जाकर अटक जाता है। यानी कि शुरू से ही जो रिंग्स इस प्लेनेट के चारों ओर सब लोग देख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जॉनसन के ही एस्केप शटल थे, जिसमें उसके करोड़ों वर्जन उस ग्रह के ग्रेविटी के कारण अटक गए और धीरे धीरे उन शटल्स की ऑक्सीजन खत्म होने से मारे गए। वहीं स्पेसशिप के अंदर पॉल, मोयरा और कैप्टन ने भी ये देख लिया था और वो समझ चुके थे कि इसके पहले उनके करोड़ों वर्जन यहाँ मारे जा चुके हैं और अब तक वो सिर्फ वही करते आ रहे थे जो कि सेम उनके पिछले वर्जन ने किया था। अब क्या वे इस अनजान विचित्र ग्रह के स्पेस टाइम से बाहर निकल पाएंगे, टाइम लूप को तोड़कर बच पाएंगे, जानिए इसके जबरदस्त थ्रिल से भरे फाइनल पार्ट में। उसके लिए वीडियो को लाइक करें।